तो बेटा चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे आज। हाइड्रोजन इस चैप्टर का नाम है बेटा। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 118 एलिमेंट जो है वो हम तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली डिस्कवर कर चुके हैं। तो उन एलिमेंट्स को हम डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स में, ग्रुप्स में और पीरियड्स वगैरह में डिवाइड करके उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हैं। तो उन 118 एलिमेंट में से हाइड्रोजन भी हमारे पास एक एलिमेंट है। हम हाइड्रोजन को जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कम्प्लीटली। मतलब कम्प्लीट एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, जस्ट हाइड्रोजन को ही यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब हाइड्रोजन चैप्टर में या इस चैप्टर में हम किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसकी मैंने एक आउटलाइन जो है वो आपके सामने बनाई है, तो मैं आपको वो शो करवा रहा हूँ। ये टॉपिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। कुछ सॉरी कुछ इस वीक में और कुछ नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। तो तरतीब से ही हम चलेंगे इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक हमारे पास होगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा हाइड्रोजन के बारे में, और इसकी पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या। ठीक, ये दो टॉपिक हम आज इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम फ्यूचर में इसकी प्रिपरेशन है, इसकी कुछ टाइप्स हैं, इसके आइसोटोप्स हैं, इसके कुछ बाइनरी कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम आपको देते हैं इसके बारे में। ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन इसका निकाला है, इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नॉलेज के लिए हैं सिर्फ। ठीक है, आप अपने नॉलेज के लिए उसको याद रखिएगा हमेशा। सॉरी और बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि वाकई आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर के लिहाज से, क्योंकि उनका जिक्र आगे चल के बार बार आएगा। तो मैं तरतीब से थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा हुआ, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल, सबको पता है हाइड्रोजन का सिंबल जो बेटा वो एच होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कि जब इसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा जाता है तो डेफिनेटली हम लिखेंगे H2 लिखेंगे। H2 का मतलब होगा कि दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, दो एटम्स कंबाइन होंगे। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि इसकी जो एटॉमिसिटी होती है वो होती है डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है बेटा टू, और एटॉमिक का मतलब होता है दो एटम्स। तो डाई एटॉमिक मतलब दो एटम मिलेंगे, और हम इसको हमेशा इस तरह लिखा जाता है। जब भी हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कहीं पर भी लिखेंगे, आपसे कोई भी पूछे भाई हाइड्रोजन गैस का फार्मूला बताइए, तो आपने कहना है H2 होता है। H2 का मतलब होगा कि दो एटम्स को कंबाइन करके लिखते हैं। ये ना सिर्फ पॉइंट, अब जो मैं बताना जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अपने पास कोई भी गैस है, आपके पास कोई भी, आपके पास एक नॉर्मल गैस है, रियल गैस है, चाहे वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस है, वो हमेशा डायटॉमिक होगी, हमेशा डाई एटॉमिक होगी। इस चैप्टर में इसका जिक्र बार बार आएगा इस लफ्ज़ का, याद रखिएगा डाई एटॉमिक होगी। डाई का मतलब है दो एटम्स इन्वॉल्व होंगे, सवाए नोबल गैसेस का। ये प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा था, सबसे लास्ट ग्रुप जो होता है उसका, जिसमें नियोन है, हीलियम है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, वो गैसेज जो होती हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं, बाकी सब की सब जो गैसेज होती हैं बेटा वो डाई एटॉमिक होती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर डेफिनेटली वन होता है, एटॉमिक वेट जो है वो भी वन होता है, मॉलिकुलर मास बेटा इसका टू होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी क्वांटिटी बेटा 1 1 0 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें वन है, प्रोटॉन भी वन है, न्यूट्रॉन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ये वाहिद एलिमेंट है, ये वाहिद एलिमेंट है आइसोटोप के अलावा, ये वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी +1 भी होती है और -1 भी होती है, +1 भी होती है और -1 भी होती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। इसके बारे में काफ़ी तफसील जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ये कुछ इसकी सिंपल मैथमेटिकल जो है वो इंफॉर्मेशन थी आपके पास। अब यहाँ आइए जरा, हाइड्रोजन का बेसिकली मतलब क्या होता है। हाइड्रोजन का बेसिकली मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर, ये बात याद रखिए। हाइड्रोजन का जो लफ्ज़ है हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है वाटर प्रोड्यूसर, यानी इसका हाइड्रो मतलब होता है डेफिनेटली वाटर से निकला, और जेन जेनेसिस वर्ड निकला जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन, तो ये वाटर प्रोड्यूसर इसको बेसिकली बोला जाता है। डिस्कवर किया था इसको बेटा कैवेंडिश ने, एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था,
और या डिस्कवर कह लीजिए या ये कह लीजिए कि मैन्युफैक्चर किया था इसको कैविंडिश ने। नेम इसका जो लिया था वो लेवाजियर एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। आरटीपी का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मली रूम टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है ये मतलब जो नेचुरल चीज़ होती है उस पर आमतौर पर ये गैस की फॉर्म में होता है, आमतौर पर ये गैस की फॉर्म में होता है। इसके अलावा दो पॉइंट्स हैं इसके, इसकी लिक्विफाइज कह लीजिए या इसका बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए या मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए, कि मतलब होता है इसका। लिक्विफाइज का मतलब होता है कि अगर हम इस गैस का टेम्परेचर कम करें, कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो ये गैस डेफिनेटली आपस में इनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से शिलिंक होना शुरू हो जाएंगे, करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो टेम्परेचर होता है -252। इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, कि अगर ये टेम्परेचर मजीद कम करें, मजीद कम करें, तो वो लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है -259। ये आपका जनरल नॉलेज है, इसको ज़रा याद रखिएगा। ये एक लेक्चर अब बीच में आएगा इसी चैप्टर में, उसमें इसका लिंक भी आएगा, तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन गैस को लिक्विड में अगर आपने चेंज करना है तो वो -252 पर चेंज होगा, याद रखिएगा ये टेम्परेचर, याद रखिएगा लास्ट में। सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली वाटर में बेटा ये इनसॉल्युबल होती है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इसकी 2.1 होती है और डेंसिटी इसकी 0.08 होती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं इसकी, जो कि इसमें कुछ जनरल नॉलेज भी हैं और कुछ जो है बातें आपके आगे चैप्टर्स में काम भी आएंगे। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन के बाद, वो हमारे पास है एक छोटा सा टेबल, ये बारे में फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया था, इसको बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इसको दोबारा यहाँ बताने की लॉजिक या वजह सिर्फ सिंपल इतनी सी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। टॉपिक का नाम क्या बेटा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एलिमेंट है हमारे पास, पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्योंकि हमने डिस्कस करना है, इसलिए उसको डिस्कस करने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर चाहिए होती है, वो देख लीजिएगा जरा। बेटा देखें, हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, हम हाइड्रोजन को जो डिस्कस करेंगे वो इस ग्रुप में करेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप में करेंगे, कि हम हाइड्रोजन को क्या फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ हमें इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मतलब इसका फिटिंग और इसकी मिसफिटिंग दोनों याद करें, कि इसको प्लेस उसमें करना चाहिए, उसको फिट है उसमें या नहीं है, और अगर नहीं फिट तो क्यों नहीं फिट, और अगर फिट है तो क्यों फिट है, रीजन के साथ हमें यहाँ बताना पड़ेगा फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट ए ग्रुप है कौन सा, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। चलें सबके नाम ना याद करें, कम से कम दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट के नाम तो याद होने चाहिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कम से कम ये तीन नाम तो आपको याद होने चाहिए। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि सारे नाम याद होने चाहिए, लेकिन कम से कम तीन नाम के फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कंपेयर करवाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज के साथ। जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, रीजंस को डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली हम आपको एग्जाम्पल जो देंगे वो लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की ही देंगे, ताकि आपको प्रॉपर्टीज को समझने में, कंपेरिजन को समझने में, डिफरेंस को समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो एक तो डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट ए ग्रुप में, एक डिस्कस करेंगे हम सेवेंथ ग्रुप में, ये यहाँ पे इस जगह पे सेवेंथ ग्रुप, जिसको हम लोग हैलोजेंस भी बोलते हैं, सेवेंथ ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कम से कम ये चार नाम आपको याद होने चाहिए, कि इनके साथ हम इसको कंपेयर करवाएंगे इसी प्रॉपर्टीज को। अब डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज इनसे मैच करेंगी और कुछ मैच नहीं करेंगी, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इसको डिस्कस किया जाएगा फोर्थ ए ग्रुप के साथ। फोर्थ ए ग्रुप को डिस्कस करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी भी एग्जाम्स में नहीं आया, आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं आया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे फोर्थ ए ग्रुप में। फोर्थ ए ग्रुप में दो एलिमेंट्स कम से कम याद रखिएगा, कार्बन एंड सिलिकॉन। चलें अगर सिलिकॉन भूल भी जाता है तो कम से कम कार्बन लाजमी याद रखिएगा, कार्बन, फोर्थ ए ग्रुप, कार्बन लाजमी याद रखिएगा, ठीक है? ओके, ये मुसलसल बच्चे जो है वो हैंड रेस कर रहे हैं, फरहान अली कर रहा है, और एक ये पता नहीं असद आलम साहब हैं, और एक ये सैमसोंग साहब है। बेटा पहले तो ये कि ये जो जो सैमसोंग जिन्होंने हैंड रेज किया है, ये अपना नाम चेंज कर लें, वरना मैं इनको अभी मीटिंग से आउट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं मीटिंग से इनको आउट कर दूंगा, ठीक है?
अपना नाम चेंज कर लें शाबाश। बिल बार बार आप डिस्टर्ब भी कर रहे हो, हैंड रेज कर रहे हो। अगर आपने अभी किया तो मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए कि क्या मसला है आपको। जी अभी बता क्यों नहीं रहे आप, क्या मसला है? बोलिए बेटा। और ये असद साद असलम साहब, क्या मसला है? ओके तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टॉपिक मेन है हमारे पास। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करें। फर्स्ट ग्रुप के बारे में या किसी भी ग्रुप के बारे में डेफिनेटली बेटा भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी भी, तो वन बाय वन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इसको। सारे ग्रुप एक साथ तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहली जो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे चुका हूँ कि बेटा जो फर्स्ट ग्रुप हमारे पास है, ठीक है, बता दिया था मैंने आपको कौन सा है। एलिमेंट्स के नाम बेटा प्लीज याद रखिएगा, ये फर्स्ट ग्रुप है। लिथियम सोडियम पोटाशियम, तीन नाम याद रखिएगा। अल्कली मेटल्स भी बोला जाता है इसको। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा। जब हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में ये प्रॉपर्टीज हैं, तो बेसिकली हम बात करेंगे कि लिथियम सोडियम पोटाशियम में ये प्रॉपर्टीज हैं। या अगर हम ये बात करेंगे कि भाई लिथियम सोडियम पोटाशियम में जो प्रॉपर्टीज हैं, तो वो डेफिनेटली वो किस में होंगी बेटा, वो फर्स्ट ग्रुप में होंगी। तो ये तीनों के नाम जो है वो लाजमी तौर पर याद रखिएगा, ठीक है? ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम वगैरह, जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन का रिजेम्बलेंस से हम याद करें कि कौन से उसके रिजेम्बलेंस हैं, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो सिमिलर, हम उसको यहाँ पर बात करें। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, ठीक है, वो है कि बोथ हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट शेल। बोथ हैव का मतलब यहाँ पर होगा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक साथ ही हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं, और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम पोटाशियम, मैंने ये तीन एग्जाम्पल सामने लिए कि लिथियम सोडियम पोटाशियम के जो एलिमेंट्स हैं या इसके जो नीचे भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम है सोडियम है पोटाशियम है रुबीडियम है सीजियम है फ्रेंशियम है, जो भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिर्फ कितने होते हैं बेटा, वन होते हैं। ये सबसे सॉलिड वजह है, सबसे ज़्यादा सॉलिड, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ये, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए। क्योंकि बेटा नॉर्मल सी जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि एक ग्रुप के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट आ सकते हैं जो ग्रुप का नंबर होगा उन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में भी उतने ही नंबर होने चाहिए इलेक्ट्रॉन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो जो ग्रुप का नंबर होता है वो उसकी वैलेंस स्टेट को शो करता है। वैलेंस स्टेट से मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली तौर पर जो एलिमेंट्स हम प्लेस करते हैं उसमें ये फीचर सबसे 99.99% होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना उसके ग्रुप का नंबर होता है। यानी अगर आपसे मैं कहता हूँ भाई एक एलिमेंट है उसका ग्रुप नंबर 3 है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि सर उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको कन्फर्म पता होना चाहिए कि सर अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6A ग्रुप से बिलोंग करेगा या 6B ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1 दोनों की। इसको मैंने एग्जाम इन दोनों पॉइंट्स को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके सामने, ये देख सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया है इसके बारे में। लिथियम एटॉमिक नंबर बेटा 3 होता है, 1s2 2s1। सोडियम 11 के लिहाज से 3s1 आ रहा है। पोटाशियम 19 के लिहाज से 4s1 आ रहा है। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं,
ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख सकते हैं जिसको मैंने रेड को हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सबके क्या है बेटा, वन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन के अलावा फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए। यहीं से सेकेंड पॉइंट भी बन जाता है कि अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, तो हाइड्रोजन की भी NS1 होती है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन सब की भी क्या होती है बेटा, NS1 होती है। यहाँ पर N का मतलब है ये जो आपके पास नंबर्स हैं जो कि पीरियड्स को शो करते हैं, और S1 सब में कॉमन है। तो दोनों की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी सिमिलर होती है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हम यू कह सकते हैं कि ये दो ही मेन पॉइंट हैं जिसकी बिहाव पर हम कहते हैं कि हमें इसे फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, जरा ये देखिए। अब ये तीन पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझाएंगे। तो पहले एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ ताकि पॉइंट्स की जो वर्डिंग है वो आपको समझ में आ जाए। बेटा हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है या लूज कर सकता है, मतलब डोनेट कर सकता है, जो भी वर्ड यूज करना चाहे। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज या इसकी वैलेंसी जो है वो क्रिएट होती है +1, क्योंकि बेटा जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो चार्ज आता है प्लस, और जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना ही चार्ज आ जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो चार्ज आ जाएगा 1, अगर दो कर रहा है तो 2 आ जाएगा, 3 कर रहा है तो 3 आ जाएगा। प्लस का चार्ज ही क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेटा, इस वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। अब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, कोई भी एलिमेंट ले लें आप, वो भी इलेक्ट्रॉन का करते हैं लॉस करते हैं, और एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए उनकी वैलेंसी या उनका चार्ज भी क्या रहता है, +1 +1 आ जाता है। अब इस जो मैंने जो आपको सिंपल सी बात बताई है माइंड में रखिएगा, जैसे भी आपको वैलेंसीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे चल के बहुत सारे रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे आस्ता आस्ता। तो ये लॉजिक छोटी सी इसमें एक बताई गई है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका चार्ज होता है बेटा प्लस, ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही चार्ज होगा। अब जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत आसान बन गया कि बोथ लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों, यहाँ बोथ का मतलब बार बार बता रहा हूँ कि मतलब होगा कि हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द लिथियम सोडियम पोटाशियम, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बात हो रही है कि बोथ लॉस इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको लॉस करेगा। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर फिर प्रॉब्लम कर रहा है कि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बेटा मैं वापस चले जाता हूँ पीछे। बेटा ये इसको बोलते हैं आपका सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होता है या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल बोलते हैं उसे, वैलेंस सबसे बाहर वाला। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट याद रखिएगा बस, ठीक है ना, वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल या वैलेंस ऑर्बिटल बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि यहाँ पर जो आपके पास लॉस करेगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एंड फॉर्म पॉजिटिव आइन, ये पॉइंट है, पॉजिटिव आइन बनाएगा, ये देखें पॉजिटिव आइन बना, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट भी इसी से लिंक है, बोथ आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसे तमाम एलिमेंट इनके अलावा भी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाए, +1 +2 +3 +4 आयन बनाए, तो ऐसे एलिमेंट्स को बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन की लॉस की वजह से जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को। तो ये दोनों पॉइंट्स का लिंक जो है वो इसी एग्जाम्पल से बन रहा है। थर्ड वन पॉइंट का भी लिंक यहीं से बन रहा है कि बोथ हैव सेम वैलेंसी विच इज +1, डेफिनेटली दोनों की जो वैलेंसी अगर मैं कहूँ कि बेटा क्या है हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है तो +1 है, लिथियम की क्या है सर +1, सोडियम की क्या है सर +1। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं अगर आपने इसको समझना है तो आपके लिए ये एक एग्जाम्पल जो है वो इनफ है, इसी एक एग्जाम्पल में तीनों पॉइंट जो है वो आ जाते हैं। तो ये इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं जो कि आप देख सकते हैं कि केमिकल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर जो डेवलप होती हैं ये वो प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन बेटा इन प्रॉपर्टीज के अंदर जो है
ना सिर्फ ये टॉपिक कवर हो रहा है बल्कि फ्यूचर में आने वाले पता नहीं कितने सारे टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं। यानी आपने ये याद रखना है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बेटा वो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जब भी वो पॉजिटिव आयन बनाएगा हम उसको बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि उसकी जो नेचर है वो क्या है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी वो जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिवली है, और उसकी वैलेंसी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के लॉस पे डिपेंड करती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे तो वैलेंसी +1 होगी, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर तो वैलेंसी होगी +2, तीन करेगा तो +3। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा। लास्ट वन पॉइंट बेटे, जैसे यहाँ पर अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, तो इस वाले पॉइंट के अंदर अगर आप देखें गौर करें तो एक टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट समझ में आ गए हैं तो आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट भी समझ में आ जाने चाहिए कि इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को गेन करें, या जिनमें ये एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेंगे, और गेन करने के बाद वो बनाएंगे नेगेटिव आयन, वो बनाएंगे नेगेटिव आयन, तो वो कहलाते हैं बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो दोनों को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बोथ का मतलब है कि हाइड्रोजन भी और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम वगैरह भी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, सॉरी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ आसानी के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब क्लोरीन की मैंने एग्जांपल लिया, क्लोरीन बेटा एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि क्लोरीन 7th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये मैं बात अभी बता भी चुका हूँ कि जो ग्रुप का नंबर होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्लोरीन जो है वो बिलोंग करता है बेटा 7th ग्रुप से। इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो आमतौर पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलने के बाद HCl एक कंपाउंड जो है वो क्रिएट करता है, सोडियम भी बहुत आसानी के साथ क्लोरीन सेशन करके सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बनाता है, पोटाशियम भी क्लोरीन सेशन करने के बाद पोटाशियम क्लोराइड बना लेता है। तो आपको बताने का मकसद ये है यहाँ पर कि हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जस्ट लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन वगैरह के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं, और करने के बाद कुछ न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो बेटा ये थी वो प्रॉपर्टीज जो कि दोनों एलिमेंट्स की आपस में कंबाइंड है, कंबाइंड से मतलब सिमिलर। तो हाइड्रोजन और फर्स्ट ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्कस की गई 4-5, जिस बिहाफ पर आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, कि हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से इसकी क्या कर रही है बेटा, मैच कर रही है, कंबाइन कर रही है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो इन प्रॉपर्टीज की बिहाफ पर हमें इसको वहां पर रखना चाहिए हर सूरत में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में अगर आप फिंगर टिप पर अगर प्रॉपर्टीज याद करें तो बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी सिंपल कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी बेटा इसकी NS1 होती है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, नेक्स्ट वन ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, नेक्स्ट वन इसकी वैलेंसी +1 होती है, और ये इजीली इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, फिंगर टिप पे अपनी फिंगर्स आप सामने रखिए, फिंगर टिप पे याद करें, ठीक है। कैसे, नंबर वन आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, नंबर टू वैलेंसी जो है वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक है तो वैलेंसी क्या होगी बेटा +1 होगी, वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है NS1 होती है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं नेगेटिव, सर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सर इलेक्ट्रॉन को लॉस करके बनाते हैं, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए जो इलेक्ट्रो नेगेटिव हुए, सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हुए, किसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं सर इलेक्ट्रो नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा, कल मैं सबसे सुनूंगा ये, और अगर आज टाइम मिल गया तो आज भी सुनेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डिफरेंस। डिफरेंस से मतलब है कि भाई हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इज मिसफिट, कि यार हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना चाहिए हाइड्रोजन, भाई क्यों नहीं रखना चाहिए, अब वो रीजन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, कि लॉजिक ही नहीं बनती इसको फर्स्ट ग्रुप में रखने की, भाई क्यों नहीं बनती लॉजिक, सबसे पहला पॉइंट। डिफरेंस अगर आप ऐसे याद कर लें तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगी, वरना आपकी मर्जी है आप इसको लाइन वाइज भी लिख सकते हैं,
ठीक है, सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉलम्स में लिखें तो ज़रा थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, ज़रा कंपैरिजन करवाने में थोड़ी आसानी होगी कि भाई क्यों नहीं रखेंगे भाई। वो सबसे पहला पॉइंट ही सबसे सॉलिड पॉइंट है, 99% जो वैलिड पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि सर जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, आपने बोला कि वो होते हैं अल्कली मेटल्स, तो मेटल तो सबके सब सॉलिड है। बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो। तो सर हाइड्रोजन तो वो तो गैस होता है रूम टेम्परेचर पर। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी बात कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो तो सॉलिड हैं और हाइड्रोजन क्या है, वो गैस है। तो फिर ये गैस जो है वो सॉलिड वाले पोर्शन में कैसे आ सकता है, सॉलिड वाले ग्रुप में कैसे आ सकता है? इसको तो किसी ऐसे ग्रुप में जाना चाहिए जहाँ पर गैसेस मौजूद है, जैसे सेवेंथ ग्रुप। ठीक है, जैसे क्या है, सेवेंथ ग्रुप है, ठीक है, और इसके अलावा जैसे एट्थ ग्रुप है। ठीक है, एक मिनट। ओके ठीक है, तो सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, वो गैस फॉर्म के अंदर। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जिसकी बिहा पर हम ये कहेंगे कि हम इसको फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन को उसी ग्रुप में रखना चाहिए जिस ग्रुप के अंदर जो है वो गैसेस के एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है, जैसे सेवेंथ ग्रुप और एट्थ ग्रुप। नेक्स्ट वन पॉइंट, बहुत ये केमिकल पॉइंट है, केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से, कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है और सोडियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जैसा कि ये कंपाउंड बना रहे हैं, ये अभी हमने पीछे सिमिलरिटी में पढ़ा इसको। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में ये पढ़ेंगे कि जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के दरमियान वो बनता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, फर्स्ट ईयर में फोर्थ चैप्टर में पढ़ाया था आपको। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गेन कर लेगा, तो यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए और कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन जब जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर या गेन नहीं करता बल्कि शेयर करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड जो बनेगा वो डेफिनेटली कोवलेंट कंपाउंड बनेगा। तो ये दो रीज़न आ गए कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो आमतौर पर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो बनाते हैं बेटा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से और आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर से। नेक्स्ट वन पॉइंट, दोनों जो आपके पास करेक्टर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं। हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और लिथियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये भी पढ़ाया पढ़ाया आपको मैंने अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, कर लिया, ये भी एक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी एक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है उसको ऑक्साइड्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये जो ऑक्साइड है इसकी जो नेचर है वो बेसिक इन नेचर है, मतलब इसकी जो पीएच है वो क्या होगी, वो 7 से ज़्यादा होगी। ये क्या है बेटा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब है कि इसकी जो पीएच है वो क्या, वो 7 होगी एक्यूरेटली, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद जो ऑक्साइड बनाएगा, जैसे वाटर बनाएगा, तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, उसकी पीएच क्या होगी, वो 7 होगी। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जस्ट लाइक सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, वो यहाँ पर ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, वो जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, वो बेसिक होगी। बेसिक का मतलब है इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, वो 7 से ज़्यादा होगी। ये तीन पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पे हम कहते हैं कि हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, सिंपल पॉइंट। अब कुछ आगे चलते हैं, यहाँ देखिए एक वर्ड मैंने पहले भी कहा था कि ये वर्ड हम आगे इस्तेमाल करेंगे, मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक। अभी आप लोगों ने बहुत सारी एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल जो है ये वाली और ये वाली, ये मैंने पीछे आपको भी पढ़ाई है, यहाँ पर ये देखें, ये मैंने वहीं से एग्जाम्पल दोबारा ली है। आप नोट डाउन करें, इससे समझाना क्या है आपको, नोट डाउन इसमें ये है कि आप रिएक्शंस के अंदर जरा देखिए कि जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, यहाँ पर जैसे सोडियम लिखा मैंने, जैसे लिथियम लिखा मैंने, तो यहाँ पर मैंने साथ में 2 नहीं लिखा, लेकिन जब मैं हाइड्रोजन को लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को लिख रहा हूँ तो 2 लिख रहा हूँ, क्लोरीन को लिख रहा हूँ तो 2 लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन के लिए 2, क्लोरीन के लिए 2। तो जो गैसेस फॉर्म में होते हैं एलिमेंट्स उनके साथ यहाँ पर 2 लिखा जाता है क्योंकि वो डायटॉमिक होते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं
उनके साथ यहाँ पर कभी भी टू नहीं लिखा जाता क्योंकि वो मोनोटॉमिक होते हैं। तो ये इसकी बेसिक रीजन है इसका, कि फर्स्ट एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो मतलब वो मोनोटॉमिक होता है, और जो हाइड्रोजन या गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो डायटॉमिक इन नेचर होती है। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथियम सोडियम वगैरह इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ये पढ़ा था अपने सी सिमिलरिटी में, कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और लॉस करके वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, लेकिन बेटा कभी कभार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कभी कभार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, और जब वो गेन करेगा तो क्या बनाएगा, वो नेगेटिव आयन बनाएगा। अब सिर्फ पॉजिटिव आयन बनाना जो है वो उसकी सिमिलरिटी में चला जाएगा, वो हमने सिमिलरिटी में डिस्कस किया, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन भी बनाता है और नेगेटिव आयन भी बनाता है, ये इसकी डिफरेंस में चला जाएगा। जो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो जो सिर्फ पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन बना सकता है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी होता है। लास्ट वन पॉइंट इन्हीं पॉइंट से लिंक करते हैं कि इस वजह से इसकी जो वैलेंसी होती है वो प्लस वन होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन है इसकी वैलेंसी कभी प्लस वन होती है और कभी क्या होती है बेटा, माइनस वन होती है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स का आपस में लिंक है कि हाइड्रोजन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन भी बना सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन भी बना सकता है, इसलिए इनकी वैलेंसी प्लस वन भी होती है और माइनस वन भी होती है। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसमें ये चांसेस होते हैं ज़्यादातर कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करते हैं और प्लस वन इसका चार्ज होगा। मोनोटॉमिक और डायटॉमिक का मतलब होता है कि हम उसके अंदर एक एटम इस्तेमाल अगर होगा ठीक है तो वो कहलाते हैं मोनोटॉमिक, और अगर दो एटम्स का इस्तेमाल होगा तो वो कहलाते हैं बेटा डायटॉमिक। ये थे कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज जिसके बिहाव पे हम ये कहेंगे कि हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में मिसफिट करते हैं, उसमें हम इसको फिट नहीं करेंगे। लेकिन जो तीन पॉइंट ये शुरू की जो मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले हमेशा ये याद कीजिएगा, बाद में वो दूसरे पॉइंट याद कीजिएगा। ओके एक स्टूडेंट ने मैसेज किया मुझे अभी, नाम इनका है तैयब अजीज। तैयब अजीज ये कह रही हैं कि सर जो आपने पहले क्वेश्चन दिए थे चैप्टर वन में वो कुछ समझ में नहीं आ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहे, आप बता दें सर। तो बेटा ये तो फिर आपको चैप्टर शुरू करने से पहले पूछना चाहिए था ना, ये आप बिल्कुल चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया फिर आप पूछ रहे हो। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये आप नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपको बता देंगे बीच में टाइम निकाल कर। तो आप अपने पास क्वेश्चंस को ज़रा रखिएगा, बता दीजिएगा कि अपने पास रखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, तो जितना मुमकिन हो सका तो मैं आपको वो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट इसी क्लास में इसके लिए रख लेते हैं कल या परसों के लिए, लेकिन डेफिनेटली पहले सेकेंड चैप्टर की क्लास होगी, उसके बाद फिर मैं आपको आकर के 10-15 मिनट निकालूंगा और उसमें आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। जजाक अल्लाह। आज के लेक्चर अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है, और ये लेक्चर इंशाल्लाह ताला यूट्यूब वगैरह पे भी हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर होती है आपको